हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, यह है वन लाइनर टेक न्यूज, यानी कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज देने वाला हूं। शाओमी की तरफ से उनकी मी नोटबुक सीरीज को लेकर इंडिया में जो यहां पर कब लॉन्च की जाने वाली, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस होने वाले, वो यहां पर न्यूज आ रही है। जियो की तरफ से आप लोगों के लिए न्यूज आ रही है और भी बहुत सारी टेक न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टेक पर। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो यहां पर मीर पुलिस की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन यूज किए जा रहे हैं उनमें से करीबन जो है 13,500 ऐसे स्मार्टफोन है जो यहां पर जो है एक फेक IMEI नंबर पर चल रहे हैं, यानी कि वो IMEI नंबर जो है दूसरे स्मार्टफोन से कॉपी किए गए हैं। यानी कि इतने ज्यादा स्मार्टफोन फिलहाल इंडिया के अंदर जो है कॉपी जो IMEI नंबर है उससे यहां पर चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ जो 13,500 ही यहां पर बताए गए हैं, तो सिर्फ यही स्मार्टफोन जिनकी जो यहां पर FIR वगैरह हो जाती है वो स्मार्टफोन यहां पर ट्रैक किए गए, तो उनके नाम से जो है दूसरे स्मार्टफोन भी यहां पर चल रहे हैं। तो यहां पर कुछ ज्यादा भी जो है स्मार्टफोन हो सकते हैं कि फेक IMEI नंबर वाले स्मार्टफोन आप लोगों के पास में हो। तो अगर आप कोई भी पुराना स्मार्टफोन जो है यहां पर परचेज कर रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका जो यहां पर IMEI नंबर है वो किसी दूसरे के पास तो नहीं है, तो ये आप लोग जरूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, सेकंड जो न्यूज आती है वो यहां पर फेसबुक की तरफ से आ रही है। फेसबुक ने एक नया टूल यहां पर आप लोगों के लिए फिलहाल जो है अवेलेबल करा दिया है। अभी तक ये जो टूल था दोस्तों वो कुछ एक लिमिटेड जो है जो जगह थी वहीं पर अवेलेबल था, लिमिटेड कंट्रीज तक अवेलेबल था, लेकिन अब ये टूल जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल करा दिया गया कि अब आप अपनी जो यहां पर फोटोज हैं और जो वीडियोज हैं आप उन्हें जो गूगल फोटोज है वहां पर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी फेसबुक ऐप में जाना होगा, वहां पर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर क्लिक करना होगा योर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहां पर आपको दिख जाएगा ट्रांसफर एंड कॉपी योर फोटोज एंड वीडियोज, तो वहां से आप जो है फिर ट्रांसफर कर लेंगे अपने गूगल फोटोज में। बस आपको आपकी गूगल फोटोज की जो यानी कि जो जीमेल आईडी है वो वहां पर एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर करना है। सभी जो फेसबुक पे आपने फोटोज अपलोड किए थे, वीडियोज अपलोड किए थे, वो सारे वहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी बैकअप रखना चाहते हैं अभी सभी जो है यहां पर अपने सभी फोटोज का, आप सभी वीडियोज का, तो आप अपने जो है गूगल फोटोज पर उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज यहां पर आती है एयरटेल और अमेजन की डील को लेकर। आप लोगों को पता है अभी एक न्यूज आई थी कि जो अमेजन है वो एयरटेल इंडिया के अंदर करीबन जो है $2 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लेकिन अब एयरटेल की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट आया है कि अभी कुछ यहां पर जो है उनका जो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अभी अमेजन के द्वारा नहीं किया गया है। सिर्फ जो अभी यहां पर बातचीत चल रही है वो अर्ली स्टेज में, अभी किसी तरह के वो यहाँ पर रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि अब जो अमेजन है वो एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है नहीं करता है। वैसे जियो में आज फिर से काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप लोग को पता है 22 अप्रैल से जियो में जो इन्वेस्टमेंट थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले जो है फेसबुक ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद में सिल्वर लेक, विस्ता, तो KKR, ऐसी बहुत सी कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आज जो यहाँ पर अबू धाबी की कंपनी है दोस्तों मुवा डाला, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया और उन्होंने कभी जो है यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म पर करीबन 9,093.60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि करीबन जो है 1.85% जो स्टेक्स हैं जियो प्लेटफॉर्म के वो यहां पर उनके द्वारा बाय किए गए हैं। तो जियो को काफी ज्यादा यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और यहां पर बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल से लेकर फिलहाल 5 जून तक, यानी कि ये जो आज इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल यहां पर जो जियो प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है दोस्तों वो करीबन 87,655.35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर जियो प्लेटफॉर्म को मिल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आती है मित्रो ऐप को लेकर। आप लोगों को पता है अभी मित्रो ऐप को जो है यहां पर प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था। आप लोगों को पता है प्ले स्टोर से इसलिए रिमूव किया गया था इस ऐप को क्योंकि इसका जो यहाँ पर जो मेन ऐप था, जो टिक ऐप था, वो पाकिस्तान का ऐप था और वो पहले से ही जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल था। तो यहाँ पर इंडियन एक जो है डेवलपर ने इसका सोर्स कोड वहां से पाकिस्तान के उस डेवलपर से परचेज किया और इंडिया में नाम चेंज करके इस ऐप को उपलब्ध करा दिया। बाद में इंडिया में जो ऐप है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो गूगल ने जब इस ऐप को चेक किया तो वो सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर पाया गया।
जो पाकिस्तानी ऐप थी टिक टिक, उसका जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर पाया गया। तो उसके बाद जो है इस ऐप को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से जो मित्रो ऐप है दोस्तों वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। तो अब आप अगर प्ले स्टोर पर जो जाकर जो है मित्रो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप आपको वहां पर मिल जाएगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इसका जो सोर्स कोड है दोस्तों वो पाकिस्तान से जो है इंडिया में खरीदा गया है। तो ये एक यहाँ पर आपको जो है मेड इन इंडिया जो है फुल्ली मेड इन इंडिया ऐप नहीं मिलता है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज आती है वो रियलमी स्मार्ट वॉच को लेकर आ रही है। आज रियलमी स्मार्ट वॉच की पहली सेल थी और बताया गया कि 2 मिनट के अंदर करीबन जो है 15,000 रियलमी की जो स्मार्ट वॉच है दोस्तों वो यहाँ पर सेल हो गई। और बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट सेल होने वाली है दोस्तों वो 9 जून को होने वाली है। तो अगर आप रियलमी की स्मार्ट वॉच जो है परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 2,999 रुपए और 9 जून को आप फिलहाल इसे परचेज कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो असूस आरओजी फोन 3 को लेकर आ रही है कि अब जो यहां पर असूस आरओजी फोन 2 का सक्सेसर लॉन्च किया जाने वाला है। और फिलहाल इसके कुछ एक स्पेसिफिकेशंस यहां पर लीक हुए, बताया जा रहा है कि आपको 2 वेरिएंट यहां पर देखने को मिलेंगे, 8GB रैम वेरिएंट और 12GB रैम वेरिएंट, जबकि जो स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा वो 256GB तक का आपको इंटरनल स्टोरेज यहां पर देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज आगे दोस्तों यहां पर रेडमी 9 सीरीज को लेकर कि 25 जून को इन्हें जो है चाइना के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है, लेकिन फिलहाल इनके जो बॉक्स के फोटोज है वो यहाँ पर जो गिज़्मो चाइना है उनके द्वारा लीक किए गए हैं। तो फोटोज फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो 4GB की रैम मिलेगी, 64GB का आपको स्टोरेज मिलेगा और जो डिस्प्ले होगा वो 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो आपको हीलियो G70 यहाँ पर जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी होने वाली है और यहां पर आपको जो है क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेन सेंसर आपका 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का, थर्ड सेंसर भी 8 मेगापिक्सल का और जो फोर्थ लेंस होगा दोस्तों वो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का होगा और फ्रंट में केवल आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज आती है वो यहाँ पर Xiaomi की मी नोटबुक सीरीज को लेकर आ रही, जो लैपटॉप इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। फिलहाल उसका जो बॉक्स है वो आज मनु कुमार जैन के द्वारा ट्विटर अकाउंट पर जो है दिखाया गया, कुछ इस तरह का जो है बॉक्स यहाँ पर होने वाला है और इसका जो नेम होने वाला है इंडिया के अंदर दोस्तों वो मी नोटबुक होरिजन एडिशन होने वाला है। और बताया जा रहा है कि 11 जून को लॉन्च किया जाने वाला है इंडिया के अंदर और इसमें आपको 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। काफी थिन बेजल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो चिपसेट आपको देखने को मिलेगा वो इंटेल का 10th जनरेशन वाला चिपसेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर सोल टेक न्यूज। आशा करता हूँ टेक न्यूज का ये एपिसोड दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसी ही रोजाना टेक न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।